इस वहम में ना पड़ो कि बेटे का क्या होगा बेटी का क्या होगा मेरा क्या होगा वो क्या भय और चिंता को तो फर्कने मत मैं जब साधना करता था ना तो शुरू-शुरू में देखो किसी को बताना नहीं मैं अपने दिल की पोल खोलता हूँ। <laughs> यह आपको आश्चर्यकारक ज्ञान सुनाई पड़ता होगा तुम इतनी ऊंचाई को छू सकते हो भगवान कहते यनलब्धवान चापारम जिसको पाकर उससे कोई अपर चीज नहीं है बड़ी चीज नहीं है अरे बाबा ये अनहद नाद है ऐसे ऐसे जिनको अंतर प्रेरणा होती है हाथों पर करो जिन्होंने दीक्षा ली है उनकी तो कुछ कमाई हो जाती है ना तो ये सब होता है ये भगवान राम को उनके गुरु वशिष्ठ जी बताते हैं कि जो दिखता है इतना ही जगत नहीं है और ये एक ब्रह्मांड अपना है जिसके ये सूर्य और ये ब्रह्मा जी ये विष्णु जी महेश है ऐसे दूसरे ब्रह्मांडों के दूसरे ब्रह्मा विष्णु महेश तो आप इस वहम में ना पढ़ो कि बेटे का क्या होगा बेटी का क्या होगा मेरा क्या होगा वो क्या होगा। अनंत ब्रह्मांडों में घूम रहे हो तुम अनंत काल से सब चल रहा है तुम्हारी कभी मौत नहीं होती और शरीर सदा रहता नहीं जरा सा नौकरी वाले ने साहब ने ऐसा करो तो मेरा क्या हो जाएगा फलाना क्या हो जाएगा टीणा क्या हो जाएगा इस वहम में पड़ो ही नहीं डर को तो फरकने मत दो आजकल मेरा तो 20 दिसंबर तक ज्योतिषी बोलते बड़ा खतरनाक है अरे भाई साहब ऐसे 20 दिसंबर तक के तो कई साल आ गए कई जन्म आ गए एक जिंदगी में कई दिसंबर आ गए नहीं आए क्या मर गए हे हो गया वो हो, हो गया वो हो, हो गया तो मैं भगवान भी नहीं मार सकते और शरीर को तुम भी नहीं रख सकते और भगवान ने भी नहीं रखा शरीर प्रकृति का है तुम परमात्मा की चैतन्य बपु हो <coughs> जैसे घड़ा और पानी सदा एक जैसा नहीं रहता लेकिन उसका आकाश को कोई मार नहीं सकता ऐसे निर्गुण निराकार ब्रह्म तुम्हारा आत्मा है आकाश इसलिए भय को तो भय और चिंता को तो फरकने मत दो मैं जब साधना करता था ना तो शुरू शुरू में देखो किसी को बताना नहीं मैं अपने दिल की पोल खोलता हूं <laughs> राजा नल की तपस्या स्थली गुफा में जा बैठे बैठ तो शाम को तो भाई उसका आवाज़ आवे रिच का तो मैं तो अच्छी तरह से दरवाज़ा बंद कर दिया <laughs> जंगल में जगह थी तो नज़ीक में झरना था वहाँ रिच पानी पीने आवे ना तो आवाज़ करता करता आवे और उन रिछों ने तो जंगल में जाने वाली बाइयों को आदमियों को दिन में कई बार दौड़ के पकड़ा हर चेहरे पर पंजे मारे उनको पहुंचा दिया स्वर्गवास ऐसा भी मैंने सुना था तो शुरू शुरू में तो दरवाजा बंद कर देता था फिर देखा कि जब आत्मा अमर है और ये अपन जंगल में जान के रहते फिर रीच से डर कर दरवाजा बंद करके सोने से या ध्यान भजन में करने से इससे तो क्या फायदा यही तो साधना है भय को मिटाना है तो महाराज फिर वो दरवाजा खाली बंद करते कुंडा नहीं लगाते रीच आएगा तो देखे क्या होता है फिर तो रीच बोले तो हम बाहर निकलते जहाँ से आवाज आता उधर ही जाते <laughs> एक बार मिला सुबह चार बजे पास में कहीं आवाज आई थी तो हम निकले थे देखा कुछ भी नहीं किया उसने तो वपु प्रारब्ध पोषते ये जो शरीर है प्रारब्ध से जीता है हाँ अपनी बेवकूफ़ी और कई ऐसे दिनों में न करने जैसे कर्म करने से अकाल मृत्यु हो सकती है लेकिन वो शरीर की मृत्यु होती है आपको मार सके ऐसा त्रिभुवन में कोई नहीं है न था न है न हो सकता है आप अपने को चैतन्य मानिए और सत्कर्म कर्म करते करते उस चैतन्य में विश्रांति पाए मेरे को कोई मार नहीं सकता तो चलो अपन दूसरे को मारो या दूसरे की जेब काटो इससे तो बहुत पतन हो जाएगा अपने को जो मार नहीं सकता तो उसको जानने के लिए हमें सज्जनता का आचरण करते करते उस सत्य में टिकना है उस सत्य का साक्षात्कार करना है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो स्वरूप है वो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है और उसका कोई अंत नहीं है जैसे घड़े का आकाश नन्ना दिखता है लेकिन आकाश का अंत नहीं उससे भी सूक्ष्म मेरा मैं जहाँ से पूरता है वो चिदाकाश आत्मा है भगवान श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में यह अमृत बरसाते तो फिर मैं दिल्ली के आश्रम में क्यों नहीं बरसाऊंगा अयम आत्मा ब्रह्मा गुड़ाकेशु सर्वभूतेशु यही आत्मा ब्रह्म है और सर्वभूतों में है पहले के जमाने में तो गुरुओं के संपर्क में लोग आते और ज्ञान पाकर मुक्त आत्मा महान आत्मा हो जाते फिर ऐसे गुरुओं की कमी हुई और गुरुओं को मनुष्य रूप में देखकर उनको अपने जैसा उठता बैठता खाता पीता देखकर लोग अवहेलना करने लगे गुरु के वचनों की फिर गुरुओं ने देखा कि अब लोगों की बुद्धि बहुत नीचे आ गई है और संसारी फायदे ही मांगते हैं असली ज्ञान की प्यास भी नहीं रही तो फिर गुरुओं ने भगवान की मूर्ति मूर्तियों की परंपरा चलाई उसके बाद ये मजहब मजहब तो बाद में आए प्रेता और कलयुग के संगम युग में यह आरंभ हुआ तो लीलावती ने अपने बेचों को देखा और सरस्वती कहती कि ये बच्चे जो दिख रहे हैं तुमको देख रहे हैं लेकिन वो तुमको नहीं देखते क्यों मैं न नहीं देखते कि हम अंतवाहक में हैं सूक्ष्म में हैं। जैसे टीवी में सारे दृश्य दिखते हैं और यहाँ नहीं दिख रहे हैं अभी टीवी के कितनी चैनल चलती होगी रेडियो के कितने स्टेशन अभी चलते हुए हैं अभी तो इस समय तो धमाधमी होगी लेकिन अपन नहीं देखते क्योंकि अपन स्थूल में है और वो यांत्रिक सूक्ष्मता से पकड़ा जाएगा तो यांत्रिक सूक्ष्मता से भी अंतवाक शरीर और सूक्ष्म होता है इसीलिए वो हमको नहीं देखेंगे अगर हम संकल्प करें कि वो हमें देखे तो फिर हमको वो देखेंगे तो वास्तव में जैसे लीलावती थी ऐसे ही आप हो लेकिन उसने लीलावती ने सरस्वती की कृपा से अंतवाहक शरीर की यात्रा करी तो अगर आप ऐसी यात्रा करो अथवा सरस्वती मिल जाए तो आपको पता चलेगा कि जहाँ से आए हो वहाँ तो भी दो साल भी नहीं बीते और यहाँ में पचास साल का हो गया न जाने कितने कितने ब्रह्मांडों में घूम घुमा के अभी यहाँ अभी इसके बाद न जाने कहाँ कहाँ जाओगे ये आपको आश्चर्यकारक ज्ञान सुनाई पड़ता होगा आप समझते होंगे कि चलो भाई अभी मैं गुड़गांव में हूँ इतने साल का हूँ ऐसा हूँ ऐसा हूँ अब ये करूंगा ऐसा होगा ऐसा होगा और ऐसा तो ऐसे तो कई कई जन्मों से कई के कई कुछ करते आए वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है कि हिमालय की तलेटी में दीर्घ तपा नाम के एक ब्राह्मण पत्नी सहित निवास करते थे उनके दो बेटे थे पावक और पुण्य को समय पाकर ब्राह्मण देवता को दीर्घ तपा उनका नाम था पता चला कि अब ये शरीर के श्वासोश्वास पूरे होने वाले तो मौत क्या मारे वो अपना ध्यान समाधि करके अंतवाहक शरीर को पर शास्त्र सार से तो पत्नी भी जानकार थी पत्नी ने देखा पति परम पद को प्राप्त हुए तो अब मेरा भी तो प्रारब्ध सुहागवती होके जाना था तो अब अपने पति के साथ ही जाए तो संकल्प में भी बल होता है उसने भी अपनी यात्रा की अब वो पुण्यक जो था वो बार बार रोए पिता के लिए माँ के लिए स्यापे करे लेकिन पावक जो बड़ा बेटा था उसने सारी विधि कर दी माँ बाप की यात्रा जो 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 कुछ अंत्येष्टि थी किया लेकिन उसको तो दुख मिटे नहीं मारे माँ अब क्या होगा पिताश्री तुम कैसे हुए हमको तो नादान छोड़ के गए हमको तो अनाथ छोड़ के गए ऐसे जैसे लोग रोते धोते विलाप करते हैं ऐसे करने लगा तो बड़े भाई ने कहा कि देख पुण्यक इस जन्म के पिता के लिए तू विलाप करता है लेकिन अगले जन्म में तू कहाँ कहाँ घुमाए उससे अगले कहाँ कहाँ घुमाए एक बार तुम और हम दोनों भाई थे और घूमने गए थे जंगल में और बेर खाते खाते किसी पेड़ पे तू चढ़ा और गिरा और मर गया तो उस उस जमन जन्म के पिता को भी याद कर और उसी माता को भी कर तू हाई है ही है देश में हिरण बना था हिरणी तेरी माँ थी हिरण तेरा बाप था तू कामरू देश में हाथी बना था अलंग देश में तू राजा बना था और दस महीना तेरा राज रहा और फिर विरोधी आए और छूट गया तो तूने मैंने कई जन्म पाए इसका कोई पार नहीं है अब उन जन्मों की कतारें जो बीत गई उनको याद करके उनका हर्ष शोक करेगा अथवा अभी के माता पिता का करेगा रोना है तो इस बात पे रो कि पिता अपने को शरीर नहीं मानते थे पिता अपने को जन्मने मरने वाले शरीर में अहंता से पार थे और अपने को ब्रह्म रूप में जानते थे और माता ने भी वो पति भी पाई तो जैसे सांप केंचु कैचुआ करचली छोड़ देता है जैसे बड़ा आदमी कपड़े उतार के अपने सादे सिविल ड्रेस में आ जाता है ऑफिस के कपड़े उतार देता है घर के सादे कपड़े में ऐसे ही ये शरीर वस्त्र बदलना मात्र है इसको तो सच्चा मान कर कब तक रोएगा बंग देश में तू फलाना हुआ था मध्य देश में तू फलाना हुआ था हाई हे देश में तो फलाना हुआ था विस्तार से योग वशिष्ठ में आता है देखत नयन चलो जग जाई का मांगू कुछ थिर न रहा जो भी कुछ मांगेंगे वो स्थिर नहीं रहता तो अब ऐसा मांगो कि जो हमसे छूटे नहीं तो वो ऐसा है कि अपने आत्मा परमात्मा की प्रीति आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो शुरू हुई थी बात कि तुम इतनी ऊंचाई को छू सकते हो भगवान कहते यन लब्धवान चापारम जिसको पाकर उससे कोई अपर चीज़ नहीं है बड़ी चीज़ नहीं है यन लाभं मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरु ना विचाले इस आत्मदेव को पाले जो परम उदार है परम समर्थ है परम सुख रूप है ज्ञान स्वरूप है चैतन्य स्वरूप है उसको मैं के रूप में जान ले उसी की सत्ता से अंतकरण में जो प्रतिबिंब पड़ता है चांद असली चांद की सत्ता से घड़े में चांद दिखता है तो घड़े का चांद तो पानी हिलेगा तो हिलेगा घड़ा फूटेगा तो मरेगा वो घड़े का चांद घड़े का चांद मरेगा दिखता है फिर भी वो असलियत ज्यों के त्यों है ऐसे ये शरीर जन्मते मरते हैं लेकिन चिदाकाश परमात्मा सत्ता जीव की के त्यों रहती है तो बड़े भाई का उपदेश सुनते सुनते रोने और दुखी होने वाला पुण्य आत्मप्रसाद से निश्चिंत हो गया कि क्या आश्चर्य ऐसे लीलावती को सरस्वती ने कहा कि हे लीलावती तू कब तक रोएगी और कब तक ये संबंध रहेंगे वास्तव में कोई मरता ही नहीं है मरते जन्मती आकृतियां हैं जैसे पानी दरिया का वही का वही बुलबुले हुए झाग हुई भंवर हुए और फिर मिट्टे बोले मर गए फिर बोले ये जन्म में ये मर गए वो पानी खेल रहा है ऐसे पांच भूत इसमें खेल रहा है लीला हो रही और लीला के पीछे जिसकी सत्ता है वो सत्ता है जिसकी चेतनता है जिसका आनंद है उस अपने परमेश्वर स्वभाव को जागृत करो और वो जागृत हो इसीलिए तो अंतरात्मा की उस परमात्मा की वो व्यवस्था भी है आप चुप बैठेंगे ना तो देखेंगे श्वास पर नजर डाल के श्वास अंदर जाएगा तो सो ये ध्वनि होगी बाहर आएगा तो हम वो ही मैं हूं जहाँ से मैं, मैं 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 दुखी मैं फलाना मैं वो वास्तविक मैं जो कि त्यू है और विभू है आनंद महिमा से मेरा बातचीत आती और वो संपर्क रहा जो इंदिरा गांधी के गुरु थे तो हम बैठे थे उत्तरकाशी में तो उनका कोई भगत आया माता जी ऐसा ऐसा होता है ध्यान में ऐसा लगता है ऐसा दिखता है तो उन्होंने एक बहुत नजीक का भगत था साधना में आगे था तो मैंने भी ध्यान से सुना कि अब माता जी क्या बताती उनको तो बोले कहीं चुप बैठोगे तो सुन जिंगा बोलता है ऐसा आवाज आता होगा हाँ उसको सुनो अरे वाबा ये अनहद नाद है गुरवाणी में आया अनहद सुनो वड भागियाँ सकल मनोरथ पूरे और उन्होंने कहा ये आता ऐसा आवाज है बोलने का फ़र्क उनका है बाकी बात तो वही की वही है सत्य तो ज्यों का त्यों है चाहे कोई भी बताए जिसने पाया है वो वही बताएगा जो वहाँ तक पहुँचा नहीं सुन के बताएगा उसमें दम नहीं होगा लेकिन अनुभव वाले की वाणी में आप साधन करेंगे तो बल आ जाएगा मैं छाती ठोक के कहता रहता हूं कि 40 दिन का अनुष्ठान बताऊं आप करो देखो क्या क्या होता है अभी एक माई आई मैं बैठती हूँ तो मुझे डर लगता है मेरी जीभ ऐसी ऐसी होती है कंधा ऐसा हो जाता है कभी ऐसी हो जाती हूँ ऐसी हो जाती हूँ ये सब क्या है बड़ी घबराई हुई थी मैं क्या है? ये खुशी मनाओ है तो मेरे को भी होता था जब ध्यान भजन करते हैं तो नाड़ियों की शुद्धि के प्राण ऊपर के केंद्रों में जाते हैं तो मैं भी ध्यान में बैठता था ऐसा है। होता है क्रियाएं होती है ज्ञानेश्वर महाराज को भी होता था गीता के छठे अध्याय को देखो दसवा श्लोक से देखो तो कुंडलनी जागृत होती है तो क्रियाएं होती है एक्शन होते हैं नृत्य होता है आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसे ऐसे श्लोक उच्चारित होते हैं आप सोच नहीं सकते ऐसी ऐसी वाणी आपकी प्रकट होगी एक बार वो तोहतेर आदमियों का खाना खा गई सत्तर और तीन तिहत्तर आदमी का और कभी कभी चार दिन नहीं भी खाए तो ये साधना की दुनिया एक पद्धति है इसको बोलते कुंडली योग की साधना ये मैंने की हुई है और इसी को ध्यान योग में इसी का थोड़ा सा प्रसाद फेंकता हूँ तो लोगों को क्या क्या अनुभव होने लगते हैं अपने मनमाना साधना करे बारह साल तब पहुंचे लेकिन गुरु की कुछ कृपा प्रसादी में कोई आ गया ना तो बारह साल का यात्रा बारह घंटे में आगे निकल जाते इसलिए बोलते साध जना हर जैसा गाई अभी आपके पास तो कुछ भी नहीं है हजार दो हजार पांच हजार दस हजार पचास हजार लाख दो लाख की नौकरी होगी और क्या होगा लेकिन आपके अंदर जो खजाना है उसका तो कोई मोल तोल ही नहीं है आप ऐसे सब भागने वालों के बीच भागे जा रहे हैं परेशान हो रहे हैं खाली मंत्र की संख्या कुछ बन जाती है ना तो फिर रोजी रोटी के लिए आपको दौड़ना नहीं पड़ता है आप जहाँ भी जाओ मेरे को तो ये तो शास्त्रों की बात तो बाद में पता चला लेकिन ध्यान भजन करते ऐसे ही बल आ गया सोचा मैं न कहीं जाऊंगा यहीं बैठ के खाऊंगा जिसको गरज हो ही गया आएगा खुद लाएगा कभी कभी आपको भी अंदर से आवाज आते होंगे जो ध्यान भजन करते ना ऐसा नहीं चलो उससे मिलकर आरे बोले भी मिलेगा नहीं अंदर से ही आवाज आएगी और वास्तव में जाओगे तो मिला मिला ही नहीं <laughs> ऐसा ऐसे ऐसे जिनको अंतर प्रेरणा होती है हाथों पर करो जिन्होंने दीक्षा ली है उनकी तो कुछ कमाई हो जाती है न तो ये सब होता है अब मेरे को कई प्रेरणा होती है फिर मैं पूछता कि कौन बोलता है <laughs> अंदर से कुछ प्रेरणा होती तो मैं पूछता कौन बोलता है बोले जिनका तुम जब करते हो मेरे को बार बार ये मानो अंदर से जाओ फलानी जगह जाओ okay. उधर साईन लीला शाह के पास पहुंच वो कहाँ होंगे कैसे होंगे वो तो वो फलानी जगह है और जांच करो तो है वहीं जाओ वहीं पहुंचो, मैं वहाँ मिलूंगा तो आप कौन बोलते हो कि जिसका तुम भजन करते हो मैं वही हूं मैं वहां पूर्ण रूप से मिलूंगा अनुष्ठान पूरा हुआ नहीं और मिलूंगा मिलूंगा भावा मिलोगे तो सही तो बस पहुंचो अनुष्ठान पूरा करते ही पहुंचे और मिल भी गया उसके पहले तो क्या क्या अनुभव मंदिर में सुबह ना के ध्यान भजन में बैठ गए चार बजे पांच बजे जो भी हुआ छह बजे कभी रात का अनुष्ठान देर से पूरा होता तो फिर देर से सोते तो जवानी की नींद तो ले लेते थे फिर मंदिर में जब पूजा ध्यान ध्यान करके मंदिर में जल चढ़ाने गए धड़ाक से पार्वती जी के सिर से फूल गिरे शिव जी के गिरे मंदिर में जाते ही शुकन होने लगते कि राजी हूँ मैं राजी हूं लेकिन ये भी एक अवस्था है और वो आज से वो चौवालीस छियालीस साल पहले की बात है उसके बाद तो क्या क्या उतार चढ़ाव अनुभूतियाँ आई होगी कुल मिलाकर के ये है कि गीता का ये श्लोक पक्का कर लो यन लब्धवा न चापारम लाभम मन्यते न अधिकम तता हा। जिस लाभ से अधिक कोई लाभ नहीं है भाई स्वर्ग मिल जाए वैंकुट मिल जाए इंद्रपद मिल जाए कुछ भी माना नहीं रखता ऐसा वो आत्मा परमात्मा का बोध आत्मा परमात्मा का ज्ञान आत्मा परमात्मा की स्थिति